However, the sum of length, breadth and depth of the cuboid is 19 cm and length of its diagonal is 11 cm. ठीक है, फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबाइड. सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है. तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हम लोग मान लिए, इसका डायमेंशन को मान लिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम का दिया हुआ था कितना, एलबीएच का सम कितना दिया है आपका 19 दिया हुआ है. ठीक है, और इसका डायगोनल भी दिया हुआ, डायगोनल कितना दिया हुआ 11 सेंटीमीटर. और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 11. अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट तो खत्म हो जाएगा आपका, उधर क्या होगा 121. सो ये आपका स्क्वायर ये हो गया आपका, ये हम लोग के पास एक डाटा निकल गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है 121. अब यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी सी सी ए. अब ए की जगह एल था, बी की जगह बी था, एच की जगह सी था, तो फॉर्मूला में लिख दिए हम. तो ये एल बी एच का वैल्यू दिया हुआ था 19 दिया हुआ था, और ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे कितना था आपका 121 है. और ये आपका टोटल सरफेस एरिया, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, तो उसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया लिख लिए हम लोग. अब इसको हम लोग इधर घटा दिए, ये इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल रही है. तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप बना लेंगे, इसमें आप देख लें इसी टाइप में, यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चन आपको डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि आप इसको बनाना है टोटल सरफेस एरिया. जैसे क्वेश्चन है आपका, ये है आपका एल प्लस बी प्लस एच, ये वैल्यू है आपका, और ये जो है आपका एल पी एच है आपका, और नेक्स्ट जो है डायगोनल है. ठीक है, डायगोनल, डायगोनल का वैल्यू कितना 10 है, ये वैल्यू कितना 12 है. नेक्स्ट वैल्यू ये आपका 8 है, ये आपका क्या है 13 है. नेक्स्ट वैल्यू ये आपका 12 है, ये आपका वैल्यू 15 है. नेक्स्ट ये जो है 10 है, ये वैल्यू जो है 20 है. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो है ये आपका 5 है, ये वैल्यू क्या 8 है. तो इसी तरह करके आप इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं. ठीक, ये क्वेश्चन आपके पॉइंट क्या दिया हुआ आपका, एक्स वाई एंड जेड ऑफ द इफ द वॉल्यूम इज वी देन द प्रूफ ये करना आपको. ठीक है, तो ये आपका क्यूबॉइड है आपका, इसका लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं एल है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है. ठीक है, इसको ले लेते हैं लेट द डायमेंशन ऑफ, लेट द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या लेते हैं, बी एल बी एंड एच, एल बी एंड एच लेते हैं. ठीक, अगर ये इसकी डायमेंशन है तो आपको देख लें यहाँ पे एल इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है, इसका एरिया एक्स दिया हुआ है, फिर बी इंटू एच का एरिया दिया हुआ है क्या, वाई दिया हुआ है, एल बी एच एच इंटू एल का एरिया कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है. तीनों को मल्टीप्लाई कर दें हम, तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल इंटू एल एल स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इसको लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड. तो ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स वाई. इफ एच सी एंड वी, इफ एच सी एंड वी, इफ एच सी एंड वी रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली द हाइट, रिस्पेक्टिवली द हाइट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ये कि थ्री पाई वी एच स्क्वायर, सॉरी वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v² पर ये समझेंगे कि यहाँ पे v इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा 1/3πr² इंच. अब यहाँ से v स्क्वायर अगर निकालेंगे तो क्या होगा आपका 1/9πrp⁴ इंटू एच का स्क्वायर. अब यहाँ पे c लेंगे, c के लिए हम लोग का यहाँ पे याद करें l² इक्वल टू क्या होता है h² + r² तो c को भी हम लोग लिखेंगे क्या होगा πr l. अब हम लोग को सी स्क्वायर चाहिए क्या होगा आपका πr² और एल का स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या c² = π² × r² और एल स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू कितना है h² + r², ये आपका वैल्यू दिया हुआ है. अब हम लोग के पास सारा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1/1 करके और घटाते हैं, तो ये आपका होगा क्या 3πvh³ माइनस c² हमको चाहिए c² h² तो यहाँ पे देखें c² h² इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या होगा 5² r² h² + r²
मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये क्या होगा आपका पाई स्क्वायर, ये होगा आपका आर स्क्वायर एच पी पावर फोर, और इसको अगर करेंगे क्या होगा पाई स्क्वायर आर पी पावर फोर इंटू एच का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा आपका वी का वैल्यू, तो आपका दिया हुआ यहाँ पे वी स्क्वायर तो दिया हुआ ही आपका, यहाँ पे इसको वैल्यू लिखते हैं हम लोग, तो क्या होगा हम लोग थ्री पाई वी एच क्यूब, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या थ्री पाई एच क्यूब, और वी का वैल्यू कितना वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या पाई स्क्वायर ई आर स्क्वायर, और ये क्या होगा एच पी पावर फोर, ये वैल्यू आपको निकलनी है, और ये आपका वो तो नाइन बी स्क्वायर हमको चाहिए नाइन बी स्क्वायर, तो नाइन बी स्क्वायर भी कर ही लेते हैं, ये आपका कितना होगा वन बाई सॉरी नाइन इंटू वन बाई नाइन इंटू पाई आर टू की पावर फोर इंटू एच का स्क्वायर, ये हो गया कट के, अब सारा वैल्यू लिख देते हैं क्या है थ्री पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर, सारा का वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू देखें कहाँ पे है ये है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच पी पावर फोर, इसका वैल्यू दिया होगा आपका सी स्क्वायर और एच स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो ये होगा आपको क्या पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच पी पावर फोर माइनस पाई स्क्वायर आर पी पावर फोर माइनस एच स्क्वायर, ये आपका है, और अगला नाइन बी स्क्वायर, ये आपका वैल्यू दिया है प्लस नाइन बी स्क्वायर मीन्स वी स्क्वायर का मतलब ये होगा आपका क्या पाई आर पी पावर फोर इंटू एच का स्क्वायर, तो कैलकुलेशन कर ले यहाँ पे, देखिए आप कौन कौन सा कटेगा पाई स्क्वायर आर पी पावर फोर और एच का स्क्वायर, तो ये आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच पी पावर फोर आर पी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या को क्या क्या कट जाएगा आपका, यहाँ पे कितना टर्म्स आपका आएगा टोटल चार टर्म्स, अब ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, और एच पी पावर फोर, एच पी पावर फोर यहाँ है, ठीक है, ये दोनों आपका देखें, ये दोनों जब देखेंगे यहाँ पे ये क्या होगा आपका कट जाएगा, और ये दोनों भी कट जाएगा, ये आपका प्रूफ हो गया।